नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। मिड डे मील यूनियन की वर्कर महिलाओं ने सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर मिड डे मील मजदूर यूनियन के सभी वर्कर महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री के नाम से डीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मिड डे मील की यूनियन की सभी महिला वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए कहा कि ना तो हमें समय पर सैलरी मिलती है और ना ही हमें अभी तक ईएसआई कार्ड मिला है। यहां तक कि अब हमारे साथ ये सरकार इतना बड़ा अन्याय कर रही है कि 60 साल और 70 साल की उम्र की महिलाओं को बिना कोई पेंशन या भत्ता दिए बगैर बाहर निकाला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश महिला अध्यक्ष सुमन वाल्मीकि जी ने मिड डे मील महिला वर्कर को अपना समर्थन देते हुए कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि यदि 60 साल या 70 साल की महिलाओं को ही बाहर निकालना है तो पहले देश की राजनीति में जितने भी नेता 60 साल 70 साल की उम्र के हैं उनको बाहर निकाला जाए। हम महिलाओं पर ही अत्याचार क्यों कर रहे हैं? अब सरकार का ये कहना है कि मिड डे मील में जितनी भी अनपढ़ महिलाएं हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। आखिर इतना अत्याचार क्यों? आज आम आदमी से लेकर गरीब मजदूर किसान और यहाँ तक कि अब महिलाएं अपनी मांगों और अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। जागरूक मजदूर संगठन के प्रधान नरेंद्र कंबोज जी और संस्थापक सीताराम जी ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस तानाशाही सरकार की अड़ियल रवैये के वजह से महिलाओं को अपनी मांगों के लिए अब अनिश्चित धरना रखते हुए बैठना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूख हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मैडम, आज प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमें इन मांगों पे लेके प्रदर्शन किया है कि जब इनको लगाया गया था क्या सरकार ने ये बताया था 50 साल की को बाहर काटेंगे या 60 साल की को बाहर काटेंगे या अनपढ़ों को बाहर काटेंगे? ये थोड़ी कहा गया था जब हमारे को लगाया गया था। और आज हमें यह गाजर मूलियों की तरह बाहर काट रही है सारी बहनों को। कम से कम इनको इनके बुढ़ापे के लिए कुछ तो इनको दिया जाए, 5-4 लाख रुपए कुछ तो दिया जाए इन बहनों को, कम से कम ये घर में बैठ के खा तो सके। यही हमारी मांग है जी। अगर हम नहीं भी हमारी मांगे माननी गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम कुछ तक भी करने के लिए तक जाएंगे। आज किसको ज्ञापन सौंपा आपने अपनी मांगों का? डीसी को, मुख्यमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है और डीसी को सौंपा है ज्ञापन। तो कोई आश्वासन भी मिला कि कब तक आपकी मांगों का जो है समाधान हो जाएगा? हाँ जी, उन्होंने कहा कि तुरंत आपकी मांगों का समाधान किया जाएगा, अगर नहीं किया गया तो हम फिर तैयार हैं सारी लड़ने के लिए। तो क्या कोई भूख हड़ताल भी करोगे? हाँ जी, भूख हड़ताल भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आग लावेंगे अपने। मां नहीं, सरकार ना कुछ, हमारा समाधान काट जा बस।